हैप्पी वैली में ज़्यादा शाम हो जाए 6-7 के आसपास, इधर रुकना नहीं है क्योंकि इधर तो अभी हम हैं दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग में कहाँ, हैप्पी वैली की स्टेट जो आप लोग को पता होगा। और अभी टाइम हुआ है 5:30 बज रहे हैं शाम के, और इस टाइम जो यहाँ का वेदर है वो आप लोग देखिए पूरा बादल ऊपर आ रखा है और हमें आगे कुछ दिख नहीं रहा है। लग रहे भाई या अभी जाना है नीचे, नीचे किधर, इधर से जाएंगे, उधर से फिर टर्न, फिर नीचे जाके टर्न लेंगे। और हमारे साथ है तमिल ब्रदर साथ में आज दिन भर हम दोनों साथ में घूमे हैं, और एक जो अफ्रीकन बंदा था वो भी साथ में थे, वो चल गए अपने हॉस्टल, और हम लोग अभी घूम रहे हैं, काफ़ी टाइम है हम लोग के पास। तो डेट तो बताना भूल गए, डेट है आज 3 सितंबर। अब जो पीछे का जो ब्लॉग देखे होंगे जापानीज टेंपल, जस्ट वही दिन है, उस टाइम भी हम डेट बताना भूल गए थे, तो इस वीडियो में बता दिए 3 सितंबर। और यहाँ पे तो क्या है कि जो ये जो जगह है ना, ये काफ़ी ऐसे है, अब काफ़ी क्या बोल सकते हैं इसे, नीचे काफ़ी नीचे, कितना नीचे है वो भी पता नहीं। और यहाँ पे जो रोड बना हुआ है ना, वो ऐसे टर्निंग लेकर मतलब बना हुआ है। और देखिए मौसम कैसा किया हुआ है, 5:30 बजे के आसपास का टाइम है ये शाम का, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन है। हमें यहाँ पे करीब, ब्रो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे वापस, हम लोग इसी रास्ता पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा दार्जिलिंग सिटी जाएंगे, बट दूसरे रास्ते से, हमें नहीं पता है। तमिल ब्रो यहाँ पे पिछले 1 महीना, लेकिन पहले 7 महीना से ट्रैवल कर रहा हूँ, पिछले 7 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं, ब्लॉग नहीं बनाते सिर्फ ट्रैवल करते हैं, और पिछले 1 मंथ से दार्जिलिंग में ही है। दार्जिलिंग कहाँ, लेबोंग, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। कोई स्पॉन्सर है तो व्लॉगिंग भी करूँगा आने वाला टाइम है ना, आने वाला टाइम है, कोई स्पॉन्सर मिला था। ओके ये तो यहाँ पर ही है, वो जो क्या है वहाँ पे जो वैली अपने दिखा है ना मैप से। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हम लोग के साथ सीन किया हुआ है कि हम गूगल मैप जब ऑन किए हैं तो हमें काफ़ी अच्छा सा वैली दिखा, और जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो वही ब्रदर बोल रहे थे कि जो आप गूगल मैप में देखे थे वो काफ़ी नीचे है, तो चलते हैं वहीं पे। और ये देखिए ये हुआ है यहाँ पे लैंडस्लाइड, और आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रहा होगा तो हम एक्सटर्नल माइक अभी यूज़ नहीं किए हैं। इतना नीचे जाना है हम लोग भी, फिर जैसा है अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उतना नीचे हम लोग, अभी हम लोग को वहाँ जाना है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट जैसे जैसे हम लोग सामने जाएंगे बहुत कुछ दिखने लगेगा। चले चलते ऊपर को आ गया तो रॉक गार्डन जाके मैं इधर नीचे लेके जा सकता हूँ दार्जिलिंग में। हाँ इसलिए तो पिछले 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोग चलते रहे, इसके बाद देखिए भाई ख़त्म नहीं होएगा, इस तरह का यहाँ पे रोड है और ये रोड ख़त्म होएगा ही नहीं ऐसा कहना है तमिल ब्रो, क्योंकि बंदा यहाँ पे पहले कितना बार आए हैं हम इधर, 4 बार, हाँ 4 आदमी के साथ, 4 आदमी के साथ 4 बार आए हैं, तो इनको अच्छी तरह से मालूम होगा। और दिखाते हुए रास्ता कितना ख़तरनाक है आगे, कोई भी दार्जिलिंग घूमने के लिए आता है ना तो ये हैप्पी वैली एक बार ज़रूर विज़िट करता है।
और चाहे वो नवंबर या दिसंबर मंथ में आएगा तो काफ़ी बढ़िया दिखेगा ना। हम रहे आगे सितंबर में, तो इस तरह का नज़ारे हैं, पूरा बादल बादल। शुक्र है कि हम गोप्रो यूज़ नहीं कर रहे, नहीं तो गोप्रो में कुछ आता ही नहीं। और इस कैमरे में थोड़ा बहुत ISO बढ़ा देते हैं तो काफ़ी अच्छा वीडियो बन जाता है। ये इधर से जाओगे नीचे और 6 किलोमीटर गया था रोड पे, 6 किलोमीटर नीचे, फिर भी रोड खत्म नहीं हो रहा है। नीचे जाते मतलब बहुत नीचे जा रहा है, शायद हमें लग रहा है कहीं दूसरा विलेज के साथ ये कनेक्ट हो रहा है उस तरफ, दार्जिलिंग की तरफ कोई भी विलेज। 6 किलोमीटर नीचे गए फिर भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ रोड एंड टी एस्टेट्स। अभी तक हम 2 किलोमीटर नीचे आए हैं, ऐसा ही है, 4 किलोमीटर बचा है। और देखते हैं, देखिए यहाँ का अभी रोड दिखाते हैं कितना खतरनाक है हैप्पी वैली का। इधर से रोड आया और ऐसे घूम गया नीचे, और नीचे से भी फिर वैसे घूमेगा, उसके बाद फिर चल जाएगा उधर। किधर है वो दिख रहा है रोड आप लोग को? नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा एक रास्ता ऊपर ऐसा जाके फिर जाएगा। तो उधर से रोड आगे चला गया है। मेरे कैमरे में क्या हो रहा है कि बार बार मुझे ISO बढ़ाना पड़ता है कि पिक्चर अच्छा आ सके, वीडियो अच्छा बन सके इसलिए। और अभी हम हैप्पी वैली में हैं और इधर से जाएंगे नीचे, नीचे से फिर मुझे टर लेना पड़ेगा और नीचे, उधर से भी नीचे। तो काफ़ी यहाँ पे इसी तरह रोड है घुमावदार। तो आप लोग इस जगह को, इस हैप्पी वैली को अच्छे से देखना चाहोगे तो वेदर अगर काफ़ी सही रहे तो उस टाइम आपको अच्छा सीन देखने को मिलेगा ना ब्रदर? तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। बाकी चल रहे हैं, हैप्पी वैली में ज़्यादा शाम हो जाए 6-7 के आसपास इधर रुकना नहीं है, क्योंकि इधर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। और जहाँ तक रात अभी हम लोग आए हैं उधर से करीब 2 किलोमीटर नीचे, और इधर से चल जाओगे आगे। और ये रास्ता आगे कहाँ जाता है हमें पता नहीं, बट अभी हम और ये शाम का टाइम में वेदर देखिए काफ़ी फॉगी हो रखा है।